ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਤਕਰਤਾਰੀਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। एक बार फिर भाई साहब भाई हरजोत सिंह जी जखमी जलंधर उन्हां दे जथे ने आप संतां नूं रसमंदी कीर्तन दा निहाल करना है। उस तो पहला साडे बहुत ही प्यार वाले भी भाई कीर्तपाल सिंह जी जिहड़े इन्हां जथिआं नूं उचेचे आप संतां दे दर्शन कराउण दे लई आप संतां नूं गुरबाणी दे कीर्तन दा निहाल करन दे लई चुण चुण के गुरु प्यारी साहब संगत आप संत दे सन्मुख लै के आंदे ने। ओह आप संतां नूं कल दे प्रोग्राम बारे जानकारी देणगे। पहले पातशाह साहब श्री गुरु नानक साहब जी के अते माता सुलक्षणी जी के विआह पुरब दियां लख लख बधाइयां हों जी। ये कल सुल्तानपुर रोदी नूं बटाला तो बहुत ही संतां जिहड़ियां ने उत्साह दे नाल पहुँच रही हैं ते 2 तरीक नूं उत्थों नगर कीर्तन दे रूप विच बहुत महान नगर कीर्तन जिहड़ा है वह सुल्तानपुर लोधी तो बटाला शहर में आएगा और 3 तरीक न गुरद्वारा श्री डेरा साहब माता सुलक्षणी जी के पेके घर तो एक बहुत महान नगर कीर्तन जिदे लखां की तादाद दे विच संगतां शामिल होणगियां अते जो संगतां शामिल होंदियां हन वह महसूस करदियां हन कि गुरु नानक साहब जी मेहर दा हथ साडे सीस दे उत्ते है और रहमतां भरियां अपनियां झोलियां लैके जदों संगतां जांदियां हन ते उन्हां दे जिहड़े मन दे बलबले हुंदे हन जिहड़े मन दे उन्हां दे विचार हुंदे हन उह देखदिआं ही बणदे हन। जिन्ना उत्साह संगतां दे विच हुंदा है उह देखदिआं ही बणदा है
और मैं अपने वालों समूह संगतां नूं नौजवान वीरां नूं बेनती करनी चाहुंदा हाँ कि जो वो अपने ट्रैक्टरां ते आउंदे हन उह सतिकार सहित आउण, उह हुल्लड़बाजी ना करन, जिहड़े मोटरसाइकलां ते अपने पटाके चलाउंदे हन और जो कल लंगर भी शुरू हो जाने हन ते लंगरां दे विच जो जड़िया वस्तां वरतदे हन प्लेटां कप एरा वगैरह उन बाजारां दे विच जिहड़ा है खलारा ना पाउण, एक मसाल बटाले दे विच पैदा करन कि इत्थे साफ सफाई रहे ते संगतां जिहड़ियां उह वेख के कहण कि बटाला साहब दीआं संगतां जिहड़ियां ने उह बहुत ही अनुशासन विच रहण वालियां ने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं गुरिंदरपाल सिंह गोरा, एग्जैक्टिव मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अपने वालों तो अपने सत्कारयोग प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह धामी जी वालों, धन गुरु नानक साहब ते माता सत्कारयोग सुलखणी के विआह जोड़ मेले की समुची नानक नाम देवा संघ नूं लख लख वधाई देना ते दर्शन करन आ रही संगतां नूं जी आया दा। बटाले बड़िया वड्डिया रौनकां लगियां जिते धन गुरु नानक साहब जी ने अज तो 535 साल पहला आ गए। ये गुरद्वारा कंध साहब जी जी अभी कंध संगत दर्शन कर रही है, ये थले उन्होंने बरात को बिठाया गया। माता ने कहा कंध डिग पैनी बच्चा इतों उठ पै, तो उन्होंने मुख विचों गुरु नानक साहब के जो वचन निकले, उन्होंने कहा मां घोलीए ये साडे विआह की शरीर का आजाद होगी, संगत आकर दर्शन करनगे। अज संगत धन गुरु ग्रंथ साहब जिते अपना शीश चुका रही उ इस कंध के दर्शन करके, उस वे जो धन गुरु नानक साहब ने अपना गुरु जीवन शुरू किया, मैं समझना वो अपने जीवन में अरदासा करते हैं कि हाँ भी जीवन काल से ऐसा ही समा हो कि आप गृहस्थी हो गए अपनी जिंदगी बतीत कर लीए। और इस सारे प्रोग्राम के तहत ये 1 सितंबर गुरद्वारा सत करतारिया साहब विखे, गुरद्वारा डेरा साहब विखे, गुरद्वारा कंध साहब विखे, गुरद्वारा अचल साहब के शहर के सारे गुरद्वारा साहबान विखे अखंड पाठ साहब आरंभ हो जा रहे हैं। और 1 तरीक दुपहरी 2 बजे के करीब बटाले तो संगत हर साल की तरह प्रधान रजिंदर सिंह पदम साहब के इन्होंने साथियों के सहयोग न उत्थे जाएगी, सारी रात उत्थे दर्शन दीदार करनगियां। 2 सितंबर सवेरे 7 बजे गुरद्वारा बेर साहब सुल्तानपुर लोधी तो एक महान नगर कीर्तन 5 प्यारियां की गवाही धन गुरु ग्रंथ साहब की छत्रछाया हेठ आरंभ होगा। वक् वक् पड़ावों तय करके बाबा बकाला मेहता चौंक उमरपुरा बटाले की धरती से आके गुरद्वारा सत करतारिया साहब विखे समाप्ति हो जा रही। और इस तरह फिर अगले दिन सवेरे 3 सितंबर सवेरे 7:30 गुरद्वारा डेरा साहब जो माता सुलखणी का पेका घर जिथे गुरु नानक साहब ने अपना विआह का लावा मूल मंत्र का उच्चारण करके लिया, उस स्थान तो एक फिर महान नगर कीर्तन 5 प्यारियां की गवाही धन गुरु ग्रंथ साहब की छत्रछाया हेठ आरंभ हो गए, सारे शहर की परिक्रमा करेगा। और गुरद्वारा कंध साहब के अगों लंघ के गुरद्वारा डेरा साहब जाके इस महान नगर कीर्तन की समाप्ति होनी है। मैं समुची नानक नाम लेवा संघ नूं बेनती करनी चाहुंदा, बहुत वड्डे इकट्ठ संगतां दे बटाले च आउणे ने, सारिआं नूं सहयोग दी लोड़ है, सारे रहमत करन, उस गुरु दी असीस लैण, बख्शिश करन, आपां प्रशासन दे हुक्मां विच संगतां अपने